तो जी फाइनली जो अपना मूवी देखने जाने का प्लान था वो एग्जीक्यूट होता हुआ हमें लग रहा है, क्योंकि जो वो 2.1 थे बड़े लोग, बिजी लोग जिनकी रील्स थोड़ी सी ट्रेंडिंग में आने के बाद वो और बड़े हो गए हैं, वो हमारे साथ जाने से उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास बहुत से पेशेंट है, तुम लोग खाली तुम जाओ। तो मैं और ये अपना रोबिन हम निकल पड़े हैं जॉन विक देखने। और भगवान की दया से भाई थिएटर तो हमारे कैथल में भी था, लेकिन क्या करें, वो केबल लैगरन है, रुपया हो रहे हैं, 600 का तेल फूकेंगे पहली और फिर वह 150 रुपये की फिल्म देखेंगे, है ना। न्यू अमीरी का एहसास जब तीन ही होने, इतना स्वाद ही को नहीं आवे। अभी अभी रोबिन बता रहा था भाई आज एक पेशेंट आई हुई थी, उसको जो था सिर में डेंड्रफ की समस्या थी। तो मैं आपको सभी को एक ही बात बताना चाहूंगा भाई, जो आपकी स्किन और हेयर की जो समस्याएं हैं, जो आपके बाल और आपकी खाल है, वो आपके स्वास्थ्य को दर्शाते हैं। मतलब आपका खान पान कैसा है, आपका शरीर अंदर से कैसा है, वो चीज दिखाते हैं आपके बाल और आपकी खाल। तो अगर आपको लगता है आप किसी तरह का क्रीम शैम्पू तेल लगाकर अपनी खाल या बालों को ठीक कर सकते हैं, तो आप ना पूरी जिंदगी पैसे बर्बाद कर लो भाई, एक पैसे का फर्क नहीं आएगा। आप सिर्फ अपना खान पान और अपना डेली रूटीन, मतलब आपका पेट साफ प्रॉपर हो रहा है, प्रॉपर आपको भूख लग रही है और प्रॉपर आप टाइम से खाना खा रहे हैं और अच्छा आप खाना खा रहे हैं, आपके बालों में और स्किन में कभी समस्या नहीं आएगी। मुझे देख लो, मैं तो फिर भी ले इधर उधर का खाता रहूं भाई, लेकिन फिर भी 3-4 दिन में तो एक दिन ही खाऊं, मोस्टली मैं ध्यान रखूं। तो अपने को ना अगर स्किन ठीक करनी है, बाल ठीक करने हैं, तो खान पान ठीक करना होगा भाई। तो ज्ञान की बात इतनी ही करांगे आज के इस व्लॉग में, ये वापस जावा फिल्म देखने का तर और माहौल और है एक नंबर का, दुख भरे गाने सुनांगे। अपने कई साथी से हैं जिनके दिल टूट रहे हैं, तो उन्हें याद करांगे दुख भरे गाने सुनते सुनते, और बाकी आपने जो आगे का माहौल है वो पहुंच के बताते हैं भाई। बड़ा तो बड़ी गाड़ियां एक तरफ, और अपने जो ये मोटरसाइकिल गया रेडी जुड़वा ले है ना भाई, इस पर घूमन की खुशी एक तरफ। कई बार तो इन्हें देख के इतना एक्साइटेड हो जाऊं मेरा, कई बार इतना जी करे मतलब मैं बड़कान के अंदर हूँ। एक इंडिया टूर जो है ना मैंने इस जुगाड़ पे करना है भाई, मतलब है ना मेरी दिल से चाह है बार त्योहार, मतलब मेरे पूरे चांस है वायरल हो जाएगा मैं इस पे एक वर्ल्ड टूर कर दूंगा। तो वर्ल्ड टूर सॉरी मेरे मुंह तो जबान फिसल की भैया माफ कर देना, इंडिया टूर की बात चल रही थी। इंडिया टूर अगर मैं इस पे कर दूं तो न्यू मान लो वायरल तो मैं हूँ, अगर जिंदा वापस आ गया तो। इस भाई ने भाई मेरे थी बताई है जो बात नहीं भाई बोली थी ना, वह नहीं फ्रंट में बोल तो तेरी शक्ल ऐड हो जाएगी। तो मैं तुमने बताना चाहूंगा मैं जो है एक वर्ल्ड टूर जो है, वर्ल्ड टूर मेरा फिर मुंह तो लिखट गया, मैं एक इंडिया टूर इसे रेडी पकड़ना चाहूँ। मतलब कबाड़ी बनने का मेरा कोई सपना को नहीं, लेकिन मैंने यहाँ मोटरसाइकिल का जुड़ोड़ी जो है रेडी है ना, मतलब इंडियन जुगाड़ा के प्रति मेरा जो प्रेम है वो कदे भी उमड़ की बाहर आ जाए, और मैंने यह बड़ी पसंद है। मतलब गाड़ी गुडिया का मेरे हिसाब चाह को नहीं, थोड़ा बाइक का है पर गाड़ियां का को नहीं, बाइक का भी घना को नहीं, लेकिन यो जो आइटम है ना यो दिल न छू की चीर की पीछे कमर में लिखट जाए, कई बार तो मेरा बा आ जाए। तो भाई शो तो है पुणे का, और भाई यो अपना गूगल तो दिखाने लग रहा है कि भाई 1 बजे पहुंचोगे, अरे मन लग गया सवा 1 पहुंचांगे। चलो कोई ना ले आती है दूरी देख आओगे, देखनी है हमने, देखने का मतलब है टाइम पास करके आना 3-4-5 घंटा का, शनिवार कट जाएगा और रविवार ना आप एक VIP रंगारंग कार्यक्रम रखांगे जिसमें आप अपने घर की 3 टूटी बदलवावांगे एक प्लम्बर बता के। ये तो हमने नु लगता होगा रंगारंग क्यों कर रहेगा, रंगारंग हम आप बना देंगे भैया, इसने इसका भगवान की तहत एक व्लॉग और घेरूंगा, व्लॉग व्लॉग हम घेर लेंगे। और भाई कुछ लोग कई बार सवाल भी कर देते हैं कि भाई ये इस तरह के व्लॉगिंग वगैरह को बढ़ावा, रील्स वगैरह को बढ़ावा क्यों दे रहे हो, तो भाई उसका एक सस्ता मजबूत एग्जांपल दूंगा। आदि योगी आयुर्वेदा नाम तो पेज है मेरा जिसमें मैं आयुर्वेद की पोस्ट करूँ हूँ, यूट्यूब पर कदे जाके देखियो तो 10 व्यू 20 व्यू 25 व्यू इस तो फालतू व्यू नहीं आओगे भाई उस पर। और यो काल बनाया व्लॉग का शॉर्ट भी गेरूं तो 250-300 व्यू आवे भाई, मैं गलत को नहीं भाई, तमने देखना है यो है, तम नहीं चाहते भाई हेल्थ सेहत सेहत की बात, सेहत की बात यार अपना हरियाणा का आदमी बता सेहत की बात तो के लेना देना होगा आपा ना, मतलब स्वाद आए रहना चाहिए और स्वाद आओ लोगों की बातों में। तो अपनी मजबूरी है यार थोड़ा सा, सिर्फ हेल्थ के ऊपर मैं अगर बात करता रहूंगा मेरे खातर भी बोरिंग हो जाए, तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने खातर थोड़ा सा क्रिएटिव रहने खातर भाई थोड़ा से नए टॉपिक पर बात करांगे, थोड़ी सी एडिटिंग होगी, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग होगी, नए नए डालता थोड़ा बढ़िया दिन कट जाए है। और कोई बात को नहीं, बाकी हेल्थ टॉपिक पर बनाने खातर अपने दोनों बहुत वीडियो है, अपने पास ऑडियंस की कमी है भाई,
लोग सुनना नहीं चाहते उन बातों को, और सुन भी लिया ना तो फॉलो नहीं करना चाहते। मैं तो बता दूं मोस्टली लोगों ने अग भाई यो खाइयो वो खाइयो कोई कौन खा भाई, जब तक ये ने नु मान लो आंत भीतर तक रुकी कटन नहीं लग जा, मुंह में खून खान नहीं आने लग जा, नहीं इतने अपने आदमी खान तो नहीं रुकेंगे। एक भाई एक ये बड़ी खास बात है, ये कंपनी वाला ने इंडिकेटर दिए हैं लेकिन एक बंदा नहीं जला होगा। इब एक बड़ा चौधरी है ना तड़ांदा इतना बचा इतना पाछे हाथ काट के और दिखावा काटन मुड़ूंगा कितने कौन मुड़ा मेरा भाई। तू एक मारा ये बच्चा जो है ना भाई, इसने स्कॉर्पियो दिख जाओ रोड पे, इसका इतना चाह है मैं कहूँ अंत लेवल का भाई, इस जितना चाह नहीं पाओगा किसी ने स्कॉर्पियो का। एक स्कॉर्पियो दूसरे स्कॉर्पियो के लो मतलब दिन में मैंने नहीं हो 75 डाल के दिखाओ है, तो भगवान की दया रही ना भाई तो स्कॉर्पियो जरूर लेंगे। अच्छा अब मैंने एक बहुत ज्ञानवर्धक बात बताऊंगा कि बड़ी गाड़ी लिए तो आदमी चौधरी नहीं बने ना, आपने कदे गौर फरमाइयो अपनी जो डेली लाइफ है उसमें कि आदमी दो रहे आल्टो होगी लेकिन जो सीट कवर पाओगे ना वह जो चौधरी आदमी है उनकी गाड़ियां में सीट कवर की जगह तोलिए लगे पाऊंगी। ता मैंने मतलब चाहे कितने चले जाओ या चीज नोटिस कर लियो, मैंने रिमाइंड करवा दिए तब नोटिस करियो, जो मतलब न्यू बाहर अपना आपने चौधरी समझता होगा ना उसकी गाड़ी के सीट कवर की जगह तोलिए जरूर पाऊंगी, या एक है ना यूनिवर्सल लॉ है या फिक्स है। तो अपन स्कॉर्पियो लेनी है यो भाई बताओगा अलॉय गलवाने हैं और तीसरा उसके ऊपर वह जो है तोलिया वाले सीट कवर लगवाने हैं अपने, मतलब छोटे मोटे ड्रीम्स हैं भाई ये इसने भाई के हैं, ये फाइनल है अपनी तरफ से, ये ही रहेंगे भाई बदलेंगे नहीं भी। या जो टैची है ना या जो अपनी दादी दुदी होया करती उसके टेम की ले रहा है मेरा भाई, अरे छात पर टेकी ले जाए मेरी दादी दो रुपए भी इसी होया करती भाई, उसमें तो कार्ड की वो मैंने ना स्कूल में जाना जब 2 रुपये दिया करती दो ही दिया करती कोई मांगे पाछे कोई ना, 2 बतेरे थे दो में वह आया करते उस टाइम छोटे छोटे पैकेट में बूम 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 का आया करते दो में, और कुछ को नहीं आया करता भाई। भाई सिर्फ इस वजह तो देखो ब्याह था डरू हो रहे या मजबूरी नहीं आ जा रहा है मेरे में, लुगाई गैर लटकन लाग रही है और भाई बीच में समान दर रह रहे भाई, माहौल बन गया यार अपना हरियाणा भी खूबसूरत जगह है की कमी नहीं है, पहाड़ पुड़ा में जाने की जरूरत कौन, देखो करनाल में एंट्री के बाद यू एक बहुत ही पीसफुल सा रोड है और उसके साथ में गया बड़ी ये नहर जा है और नू आत्मा मंत्र मुग्ध होगी। एक सामने का माहौल देखो यार, ये नू शामी नू बादल दिखी जाना पहाड़ वाली फील आ ही रहे है, अक्सर हम पहाड़ों में घूमते रहते हैं और बाइक पे जाना हमें खासा पसंद है क्योंकि जब तक रोड पे गिर के घुटने छिलने का डर ना होना तब तक चलने में मजा ही नहीं आता, गाड़ी में घुटन होती है हमें वो केवल लग रहे हैं उकलाई आने लग जाए हैं। हाँ यदि आप में से या आपके किसी बच्चे को ऐसी समस्या है तो गाड़ी में बैठने से पहले एमसेट अगर अंग्रेजी दवाई लेना पसंद करते हैं तो एमसेट ले लो 4 mg, और अगर आयुर्वेदिक लेना चाहते हैं तो परोल पिष्टी नाम से दवाई आती है वो लेनी होती है आपको एक चुटकी। हाँ तो यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप आयुर्वेदिक दवाई परोल पिष्टी एक चुटकी ले सकते हैं कहीं भी जाने से पहले अगर आपको गाड़ी वगैरह में घुटन होती है और उल्टियाँ आती हैं तो, और अंग्रेजी दवाई एमसेट आती है एमसेट 4 mg नाम से मिलेगी आपको, 4 mg की डोज काफ़ी है आपके लिए वरना 8 mg में भी वो आती है, और रेगुलर यूज़ आपको नहीं करनी है एमरजेंसी के लिए ही रखें उसको सिर्फ। लो भाई गूगल आपा ने कह था कि 1 बज जाएगा लेकिन आपा जो है 12:50 पर पहुँच गया। आड़े भाई ये बड़े बम स्क्वाड वाले हैं तगड़ी चेकिंग करे हैं, दे इसने चेक करियो भाई इसने करे चलो बढ़िया, बम स्क्वाड वाला नहीं हो चेक कौन करे इस तो खतरा नहीं मानना इन्हें भाई मूवी का नाम पे, और भाई मारा 4 फ्लोर चढ़ा लिया हमने हमारी फिटनेस के तोते उड़ गए हैं, बाकी पहुंच गए आप कोई इशू नहीं है। रोबिन अपना टिकट पर डीलिंग करन लग रहा है, बाकी बाद में करते हैं अपना एंट्री मूवी देखेंगे आराम से। लो भाई 4 बजन न हो गए हैं, फिल्म देख ली है और सर लग गया दुखन भी करन लग गया, फोन में देखा तो 10-10 सेकंड स्किप करके देख लिया, अगर आड़ा स्किप वाला ऑप्शन देख उन रखे हो थोथा हो गया रे सर, मैं तो कई साल मास देखी आ गया रोबिन जूस पीवा भाई पागल जूस वाला मन यो रहा जूस वाला भाई मिल गया भाई
आपने बात करनी हो तो करवा दो ना, मैं तो देखो जूस पीऊंगा, तगड़ा जी कर रहा है मेरा। कितना प्यारा सा भाई है, जूस बनाने का करे, मजा आ जाएगा गंडे का जूस में। तो भाई फाइनली हमने जो है लंबे टाइम से ये लड़का जो था ना, हम फिल्म देखांगे भाई, बहुत चा चढ़ा आजकल के बड़का के मन ना। तो भाई आखिरी वह न्यू मैन लियो 2000 कई 18 में 17-18 में देखी होगी भाई। आज आया हूँ फिल्म देखने, मेरा लग गया सर दुखन उस पर दुकान देख देख की। और यो भाई तो पूरी इंजॉय लेके आया है, सिटी सेटी पूरी बजाया करे तो, लेकिन आज गुन बजाई, आज इसने भूख गनी लाग दी थी। तो बाहर आते ही हमने थोड़ा थोड़ा गन्ने का जूस पिया है, अब अगला स्टॉप किसी खाने वाने पर लेते हैं, वरना घर जाके देखेंगे शाम को क्या कुक किया जाए। बाकी अपनी वो 2.1 पार्टी तो वहीं मिलनी ही है। ये अल्टो वाले ने काबू मान दे रहे, जो कटमारे हैं वो माहौल बना दे हैं भाई। शहर का महंगा रोड है, 110 बाजार है भाई। तो मेहरबान कदरदान, खाने का प्रोग्राम बन गया है, हम खाएंगे आज तंदूरी पराठा। अब रोबिन ने एक बहुत ही पते की बात कही है कि आप रास्ते से पहले तंदूरी पराठा लेंगे, फिर आप 2.1 के घर जाएंगे और उनके घर खाएंगे, उनके बर्तन गंदे करेंगे, बर्तन वो धोते रहेंगे, आप चुपचाप अपने हाथ झाड़ के अपने घर चल पड़ेंगे। और इस बात पे हमारे 2 वोट हो गए हैं, फाइनल हो गई है डील। तंदूरी पराठे लेंगे, उनके घर बैठ के खाएंगे, उनके बर्तन गंदे करेंगे, अपने घर चले जाएंगे, चुपचाप जाके सो जाएंगे। लो भाई अपना वीकेंड सुहाना तो था, बाकी 4 चांद भगवान ने लगा दिए, बहुत ही बेहतरीन माहौल बना दिया है बारिश करके। जो पराठे का मूड था वो 60-40 था, और ये बारिश होते ही वो 100-200 हो गया पूरा। अब तंदूरी पराठे खाने तय है भाई, जरूर खाएंगे तंदूरी पराठे, हम बच्चों को भी खिलाएंगे, आप भी खाओ, अपने पड़ोसियों को भी खिलाओ, जिनसे आप जड़ते हो उनको भी खिलाओ, ताकि वो आपकी कामयाबी से और जड़ने लगे।